Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AGTV, that is Agriculture Tutorial Videos. मेरा नाम है रितिका और आज का जो टॉपिक कवर करूँगी वो है मिर्च के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट मिर्च लग चुके हैं और इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि अब ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इंसेक्ट पेस्ट की. तो आज का पूरा वीडियो मिर्च के इंसेक्ट पेस्ट पे ही बेस्ड है. जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट दिक्कत डालते हैं मिर्च की फसल में, वही कवर करूँगी मैं. बहुत छोटी सी वीडियो है, कुछ ही इंसेक्ट पेस्ट है जो ज़्यादा दिक्कत डालते हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. अगली वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी मैं मिर्च के कुछ कॉमन डिसीजेज़ जो दिक्कत डालते हैं उनके ऊपर, तो वो जल्दी अपलोड कर दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा. फिलहाल जो मेरे इंसेक्ट पेस्ट हैं वो कवर करूँगी मैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं. हमारे पहले कीट हैं थ्रिप्स, एफिड्स एंड वाइट फ्लाइज. ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं मिर्च की फसल में? इनके पास सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है. ये अपने सकिंग टाइप माउथ पार्ट, मतलब चूसने वाले माउथ पार्ट को, नुकेले माउथ पार्ट को पौधे के अंदर डालते हैं. वहाँ से उनका तरल तत्व चूसते हैं, वाटरी फ्लूइड चूसते हैं, जिसको सेल सैप कहा जाता है. उसको चूसते वक्त कुछ टॉक्सिन भी साथ में छोड़ते हैं, विषाक्त पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधा पीले पड़ जाते हैं, पत्तियाँ गिरने लगती हैं या तो पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, ऐसी समस्या दिखाई देती है. और एफिड्स की फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, उनकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और सब कुछ, टाइप्स ऑफ एफिड्स क्या क्या होते हैं सब कुछ बनाया है. तो जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको देखना है, आई बटन पर लिंक है, आप जाके देख सकते हैं. तो इनका मैनेजमेंट हम थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाइज का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इनके मैनेजमेंट के लिए आप इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% SL में यूज़ कर सकते हैं, थायोमेथोक्सम 25% WG में यूज़ कर सकते हैं, एसीफेट और इमिडाक्लोरोप्रिड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं 50% और 1.8% में, एसीटामाप्रिड 20% SP का यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में, तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो जाता है. और आपको इनका जो फेमस ब्रांड है, जिस फेमस ब्रांड से ये ज़्यादा बिकते हैं, वो स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख सकते हैं. और उस ब्रांड से आपको अगर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मुलेशन विद परसेंटेज मैंने बताया, आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो दिक्कत डालते हैं वो माइट्स मतलब मकड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत डालती हैं मिर्च की फसल में. जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कैसे पूरे पौधे को कवर करके रखा है उन्होंने. तो माइट्स क्या करते हैं, माइट्स जब अटैक करते हैं पत्तियों के ऊपर तो पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, ग्रोथ जो होती है पौधे की वो रुक जाती है, बढ़ती नहीं है. इनके मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके मैनेजमेंट के लिए फेनपाइरोक्सीमेट 5% EC का यूज़ कर सकते हैं, या तो स्पायरोमेसीफेन 22.9% SC का यूज़ करते हैं, या तो फिर अबामेक 1.9% EC का यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मुलेशन और परसेंटेज आप देख लीजिए, कोई भी ब्रांड में मिले यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा दिक्कत डालते हैं वो है फ्रूट बोरर्स. तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फोटो में कि कैसे मिर्च की फल के अंदर से वो दिख रहे हैं. तो ये क्या करते हैं, इनका जो लार्वल पीरियड होता है, लार्वल स्टेज होती है, ये मिर्च के अंदर जाते हैं, एक छेद बना के वहाँ घुस जाते हैं और फीड करने लगते हैं. और उस दौरान सड़न की दिक्कत आ जाती है पूरे फलों में, इसकी वजह से प्री मैच्योर फॉलिंग होने लगती है, मतलब अपनी स्टेज अपनी अवस्था के पहले ही बीज जो हैं सॉरी जो फ्रूट हैं वो गिरने लगते हैं. तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके मैनेजमेंट के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर क्लोरेंट्रिनिल प्रोल 18.5% SC यूज़ कर सकते हैं, या फ्लुबेंडामाइड 39.35% का SC का यूज़ कर सकते हैं. अगेन स्क्रीन पे फोटोज डाल दूंगी, फेमस ब्रांड की नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं. फॉर्मुलेशन और परसेंटेज मैंने बता दिया है कि कौन कौन से केमिकल से ये कवर हो सकते हैं. तो ये बस कुछ ही मेजर इंसेक्ट पेस्ट थे चिली के लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी डिसीजेज़ की. तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.